यूं तो फिल्मों और राजनीति का संबंध बहुत पुराना रहा है। ऐसे बहुत से फिल्मी सितारे हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाए हैं। इसी में से एक और नाम जुड़ा था, अभिनेता से नेता बने बिहार के काराकट विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक संजय कुमार सिंह उर्फ संजय यादव का। मगर अब 3 साल बाद एक बार फिर से संजय भोजपुरी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। उनकी 2 फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है। बतौर निर्माता और अभिनेता 3 साल पहले संजय यादव भोजपुरी की पहली सीक्वल फिल्म प्रतिज्ञा 2 में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। राजनीति में व्यस्तता और चुनाव में भारी मतों से जीतने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने क्षेत्र पर लगा दिया था। अब जबकि संजय ने अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति प्रदान कर दी ही है, तो उन्होंने एक बार फिर से कुछ समय कैमरे के सामने बिताने का फैसला भी किया है। संजय यादव की अगली फिल्म की शूटिंग इसी सप्ताह से मुजफ्फरपुर में शुरू होने जा रही है, जबकि उनकी अगली फिल्म होगी CPI मूवीज के बैनर तले बन रही फिल्म पटना जंक्शन है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक संतोष मिश्रा हैं। फिल्म में जुबली स्टार के नाम से मशहूर दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों को देखने को मिलेगी। इस फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिरी में समाप्त होने की उम्मीद लगाई जा रही है। वैसे सियासत में बिजी होने की वजह से संजय का कहना है कि वो अब चुनिंदा फिल्में ही करेंगे। खैर, जिस तरह से सियासत में अच्छी खासी पकड़ बनाने के बाद संजय का प्रेम एक बार फिर से फिल्मों के लिए जागा है, उससे यही लगता है कि वो आने वाले दिनों में भी फिल्में करते रहेंगे। न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।